बिस्मिल्ला रखमान रहीम टुडे इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फ्रेंचियल आर्जिस आज हमने पढ़ना है कि फ्रेंचल आर्जिस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट से चाहे वो क्या पार्ट हो चाहे वो मस्कुलर पार्ट हो इससे हेड एंड के कौन कौन से स्ट्रक्चर डिराइव्ड हो गए तो बात कर लेते हैं फ्रेंचियल आर्जिस के कॉम्पोनेंट की, की। फ्रेंचियल आर्जिस तीन जर्म लेयर के ऊपर मुश्तमल होती है वो तीन जर्म लेयर कौन सी होती है बाहर एक्टोडर्म होगी दरमियान में मीजो होगी और सबसे अंदर कौन सी होगी एंट्रोडर्म होगी जो एक्ट्रोडर्म होगी उसने बनाना होगा क्लेफ्ट बनानी होगी जो एंटोडर्म होगी उसने पाउचेस बनाने हो गए फ्रेंचल आर्ट की फॉर्मेशन होती है फोर्थ और फिफ्थ वीक में इसका जो मीजोडर्म होता है वो थ्री इंपॉर्टेंट सोर्स से आता है फार एक्ल से लैटरल प्लेट मिजोडम से और तीसरा न्यूरल क्रस्ट सेल से इन्होंने वही मस्कुलेचर ऑफ हेड एंड एक्क बनाना होगा इसके जो एंटोथीलियल सेल्स होते हैं वो एंटोथीलियल सेल्स ड्राइव हो गए लेटरल प्लेट मीजोडम से वो लेट्रल प्लेट मीजोडम से ड्राइव हो गए और ये लेटरल प्लेट मीजोडम डिफ्रेंशिएट हो जाएगी एनजीओ ब्लास्ट के अंदर एनजीओ ब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो किसी भी ब्लड वेसल के एंडोथीलियम के अंदर डिफ्रेंशिएट होने की कैपेसिटी रखते होते हैं यानी टिपिकल फ्रेंजियल आर्च में चार चीज़ें होती हैं एक इसकी अपनी कार्टरी होती है इसका एक, एक अपना मस्कुलर कंपोनेंट होता है इसका एक कार्टिजिनियस कंपोनेंट होता है इसकी एक अपनी स्पेसिफिक नर्व्स होती है फॉर एग्जांपल इसकी जो आर्टरी होगी वो ड्राइव होगी ट्रंकस आर्ट्रियोस से ड्राइव होती है वो प्राइमोडियल फेरिंग्स के अराउंड मूव करते हुए जाती होती है डोसल एटा के अंदर खत्म होती है इसका दूसरा कंपोनेंट है कार्टिलेजिनस पार्ट कार्टिलेजिनस पार्ट है स्केलेटन बनाना है उस आर्च का स्केलेटन में दो चीज़ें आती है बोन और कार्टिलेज तीसरा कंपोनेंट है मस्कुलर कंपोनेंट इसमें डिफ्रेंशिएट हो जाना मसल्स के अंदर स्पेसिफिकली स्केलेटन मसल के अंदर जो उसका सेंसरी और मोटर नर्व्स होती है वो डिराइव होती है न्यूरोक्ट्रोडम से इन्होंने उस पार्ट को तो सप्लाई करना है जो कि इस आर्च से ड्राइव होगा चाहे वो म्यूकोजा ड्राइव हो चाहे वो कोई मसल ड्राइव हो जैसे जो फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स होती हैं वो सेकंड से ड्राइव होती हैं तो उनको सप्लाई करने वाली नर्व होती है फेशियल नर्व तो इन नर्व्स ने उन्हीं चीज़ों को सप्लाई करना है जो इस आर्च से निकलती है अब हम वन बाय वन हर एक फरेंजियल आर्च को पढ़ते हैं फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फरेंजियल आर्च से फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च को बनाने के लिए एक स्पेशलाइज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है उसको बोलते हैं सोनिक हज हो अगर इसमें कोई मसला आ गया म्यूटेशन आ गई प्रोटीन में या फिर कोलेस्ट्रॉल की बायोसेंथिसिस इम्पेयर्ड होगी जिसकी वजह से सोनिक है जो मुझे अपना काम से तरा नहीं कर सका तो फर्स्ट फरेंजियल आर्ज सिंड्रोम रिज़ल्ट में आएगा वो हमें क्लिनिकल में पढ़ना है जो फर्स्ट फरेंजियल आर्ज होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं एक डोर्सल पोर्शन और एक वेंट्रल पोर्शन डोरसल पोर्शन को आप बोल सकते हैं मैक्सिलरी प्रोमिनेंस और जो वेंट्रल पोर्शन है उसको आप मैंडिबुलर प्रोमिनेंस भी बोलते हैं जो उसके वेंट्रल पोर्शन है मैंडिबुलर प्रोमिनेंस उसके अंदर स्पेशलाइज्ड कार्टिलेजिनस पार्ट होता है उस स्पेशलाइज्ड कार्टिलेजिनस पार्ट को मैकल कार्टिलेज बोलते हैं डॉर्सल पार्ट से स्पेशलाइज्ड बोन निकलेगी वेंट्रल पार्ट से स्पेशलाइज्ड डॉर्सल पार्ट से कौन कौन सी बोन ओरिजिनेट करेगी डॉर्सल पार्ट से निकलती है प्री मैक्सिला मैगजिला जैकोमेटिक बोन टेम्पोरल बोन का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है अब बारी है वेंट्रल पोर्शन की जिसको मैंडिबुलर प्रोमिनेंस भी बोलते हैं मैंडिबुलर प्रोमिनेंस से मैंडिबल बनती है और बनता होता है स्क्मस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन मैंडिबल की फॉर्मेशन के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं मिसाल के तौर पर होम्योबॉक्स जीन की एक्सप्रेशन होती है जिसमें बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन पी आर आर एक्स वन पी आर आर एक्स टू फाइब्रोब्लास ग्रोथ फैक्टर ये चार इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं जो उसको कंट्रोल करते होते हैं मैंडिबल की फॉर्मेशन को फाइब्रोब्लास ग्रोथ फैक्टर पी डबल आर एक्स टू पी डबल आर एक्स वन एंड बोन मार्फोजेनेटिक प्रोटीन ये इंपॉर्टेंट होते हैं मैंडिबल के लिए फर्स्ट फरेंशियल आर्च के वेंट्रल पोर्शन जिसको मैंडिबुलर प्रोमिनेंस भी बोलते हैं उसके कार्टिलेजिनियस पार्ट को मैकल कार्टिलेज मैकल कार्टिलेज का ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट पार्ट डिसअपेयर हो जाता है लेकिन इसका डोर्सल पोर्शन परसिस्ट रह जाता है वो डोर्सल पोर्शन परसिस्ट रह के मिडल ईयर ओसिकल्स बनाएगा उनके नाम इंकस और मेलियस है जो स्टेपीज की फॉर्मेशन होती है वो सेकंड फ्रेंजल आर्च के कार्टोलिजीनियस पार्ट से होती है सेकंड फ्रेंजल आर्च के कार्टोलिजीनियस पार्ट को बोलते हैं हम रिचर्ड कार्टिलेज अभी हमने पढ़ा स्केलेटल कंपोनेंट को अब हम पढ़ेंगे मस्कुलर कंपोनेंट को वो कौन कौन से मसल्स होती हैं जो फर्स्ट फ्रेंजल आर्च से डिराइव होती हैं उनके नाम है मसल ऑफ मेस्टिकेशन जिसमें मज़ीद चार मसल्स आते हैं टेम्पोरलिस मैसीटर मेडियल एंड लैटल टेरागैड और कौन से मसल हो गए एंटीरियर वैली ऑफ टाइकेस्ट्रिक जो कि एक सुप्र हाईट मसल है माइलो हाईट पनसेगेन सुपर हाईट मसल टेंसर टिम्पनाई एंड टेंसर विलाई पेलाटेरी टेंसर टिम्पनाई तो ये मिडल ईयर का मसल है टेंसर विदाई पैलेट नहीं सॉफ्ट पैलेट का मसला है तो इसके मस्कुलर पार्ट भी हो गया अब तीसरा पार्ट है इसकी न्यूरल कंपोनेंट यानी कौन सी नर्व होगी फर्स्ट फ्रेंच लार्ज की उस नर्व को बोलते हैं मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राई नर्व चूंकि इससे मैस्टिकेशन वाला एरिया भी निकला है फेस का तो जो ट्राई नर्व होती है इसकी मैगजलरी इस डिवीजन और मैंडिबुलर डिवीजन ये सेंसरी होगी लेकिन जो ऑपथेलमिक डिवीजन होती है वो फर्स्ट फ्रेंजल आर्च के किसी भी डेरिवेटिव को सप्लाई नहीं करती तो हम ऑपथेलमिक डिवीजन को नर्व और फर्स्ट फ्रेंजल आर्च में नहीं शामिल करते अब बारी है सेकंड फ्रेंजल आर्च की हम हर फ्रेंजल आर्च को पढ़ रहे तरतीब से पहले हम पढ़ उसके पढ़ते हैं स्केल्टल कम्पोनेंट फिर हम पढ़ते हैं उसके मस्कुलर कंपोनेंट फिर हम पढ़ते हैं उसकी नर्व कौन सी है यानी न्यूरल कंपोनेंट सेकंड सेकेंड आर्च के जो कार्टिलेजिनस पार्ट होते हैं उस कार्टिलेजिनस पार्ट को रिचर्ड कार्टिलेज में बोलते हैं और सेकंड फ्रे, सेकेंड फ्रेंजल आर्ज को हम हाई आर्च भी बोलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने मिस कर दिए फर्स्ट फ्रेंचल आर्च के फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्रेंचल आर्च एक्सटर्नल एयर को बनाने के लिए भी पार्टिसिपेट करती है फर्स्ट फ्रेंजल आर्च एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटर्स को बनाने में भी पार्टिसिपेट करती हैं तो ये पॉइंट हमने मिस कर दिया फर्स्ट फ्रेंचल आर्च के जो कार्टिलिजनस पार्ट था उसने एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मेलियस भी बनाना है और स्फिनो मैंडिबुलर लिगामेंट भी बना है जो स्पाइनो स्पीनाइट से अटैच होकर मैंडिबल पर आएगा मैंडिबल के स्पेसिफिक पार्ट पर जिसको लिंगुला बोलते हैं हम तो पढ़ रहे थे सेकंड फ्रेंचिलर्ज तो सेकेंड फ्रेंचलार्ज का जो कार्टिलजनियस पार्ट होगा उसको रिचर्ड कार्टिलेज बोलते हैं उससे क्या क्या बनेगा उससे स्टेपीज बनेगी उससे बनेगा स्टाइललाइट प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन उससे बनेगा और स्टाइलो ऑफ हाईवाइट लिगामेंट बनेगा इसके अलावा जो हाईवाइट बोन है उसके कुछ पार्ट्स बनेंगे जैसे हाईवाइट बोन -right का लेजर कॉर्नो यानी लेजर हॉर्न और बॉडी ऑफ हाईआइड बोन का सुपीरियर पार्ट एक बात को तो गौर कीजिएगा टेम्पोरल बोन का जो स्क्वेमस पार्ट था वो डिराइव हुआ मैंटिबुलर प्रोमिन से टेम्पोरल बोन का स्टाइल प्रोसेस वो डिराइव हुआ सेकेंड फ्रेंचियल आर्ट के कार्टिलेज से अब टेम्पोरल बोन का रिमेनिंग पार्ट वो कहाँ से बनेगा वो बनेगा मैक्सिलरी प्रोमिनन से सेकेंड फ्रेंचल आर्ज के जो मस्कुलर कंपोनेंट होते हैं वो क्या बनाएंगे वो बनाएंगे मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन बनाएंगे उसमें बहुत सारे मसल्स आ जाते हैं इसके अलावा और कौन से मसल बनाएंगे स्टाइल ऑफ हाई आइट स्टापीडियस पोस्टियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक ये मसल्स बनाएंगे और सेकंड फ्रेंच आर्च की जो नर्व होती है उसको बोलते हैं फेशियल नर्व नेक्स्ट कम थर्ड फ्रेंच आर्च थर्ड फ्रेंच आर्च का जो कार्टिलेजिनस पार्ट होगा उसने बनाना होगा हाई बोन हाईअर्ड बोन के दो पार्ट रह गए एक ग्रेटर कोर्नो और दूसरा बॉडी ऑफ हाईअर्ड बोन का इंफीरियर पार्ट ये दोनों पार्ट बनेंगे थर्ड फ्रेंच आर्च के कार्टिलेजिनस पार्ट से थर्ड फ्रेंज आर्च का जो मस्कुलर पार्ट होगा वो एक, एक ही मसल बनाएगा उसका नाम है स्टाइलो फ्रेंजियस और हमें पता है स्टाइल ऑफ को सप्लाई करने वाली नर्व होती है ग्लोसो फ्रेंजियल नर्व अब बारे है चौथी और पाँच चौथी और छठी फ्रेंचल आर्च चौथी फ्रेंचल आर्च की जो नर्व होती है उसको बोलते हैं सुपीरियर लेरेंजुअल नर्व छठी की जो नर्व होती है उसको बोलते हैं रिकरेंट लेरेंजुअल नर्व फोर्थ फ्रेंचल आर्च से जो मसल्स ड्राइव हो गए वो कौन से हो गए क्रिकोथायरॉयड होगा लिविटर वालाई पैलेटिनी है और जो फैनिंग के कॉन्स्ट्रक्टर्स होते हैं वो ये थ्री मसल्स ड्राइव होती है फोर्थ फ्रेंचियल आर्च से जो सिक्स फ्रेंचल आर्च होती है वो बनाती है इंट्रेंसिक मसल ऑफ लैनिंग्स अब रह गया फोर्थ और सिक्सथ फ्रेंचल आर्च का कार्टिलेजिनस पार्ट जो कार्टिलेजिनियस पार्ट होता है फोर्थ और सिक्स का यहाँ पर उसमें फ्यूज कर जाता है फ्यूज़ करने के बाद ये लैरिंग्स की कार्टिलेज बनाता है सारे कार्टिलेज बनाते हैं सिवाय एक के वो कौन सा होगा वो होगा एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस की फॉर्मेशन थी कॉर्डल एंड ऑफ हाइपो एमिनेंस जो के थर्ड और फोर्थ फरेंजियल आर्च मीजन से बनता था